अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर चौधरी और आज आपके लिए खूबसूरत वीडियो चपली कबाब की सूरत में लेके आए हैं। काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने का इरादा था लेकिन चूँकि ज़ाती मसरूफियात थी तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ना दोबारा भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज की खूबसूरत वीडियो एक मज़ेदार चपली कबाब जो टक्साला फूड स्ट्रीट है बिल्कुल शाही मस्जिद के साथ वहाँ पर हम मौजूद हैं। आज हम चपली कबाब जो है उसका रिव्यू करेंगे और खा के आपको बताएंगे कि वो चपली कबाब कैसे हैं। तो चलते हैं फिर चपली कबाब खाने। हमने जो ऑर्डर किए थे 4 अदद चपली कबाब, इसके साथ नान है, इसका टेस्ट करते इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरा दिल करता है कि आपको बताने से पहले इसे खा लूँ, लेकिन इसे मैं जब टेस्ट करूँगा तो आपको इसका जायका बताऊँगा। मुझे इसकी खुशबू बता रही है कि वाकई बहुत ज़्यादा जायके वाला होगा, इसको टेस्ट करते हैं। पहले नान के साथ इसे जो है टेस्ट करते हैं। एक बाइट मैंने नान की ली और चपली कबाब को इस तरह एक बाइट के साथ, सैलड भी है, दही भी है, बहुत मज़े का है, मुंह में जाते ही घुल गया है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बहुत अमेजिंग है। अब मैं नान के अलावा भी इसको जो है खा के देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बहुत मज़े का है। आप जब भी टक्साला जो है एक फूड स्ट्रीट है शालीमार आप उसमें आएंगे या शाही मस्जिद के पास तो वहाँ पे एक फूड स्ट्रीट है, इसका एड्रेस भी आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि ये कहाँ पर है। अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो इस जगह पे आप आएँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप एक मरतबा इसका टेस्ट करके देखें। ये शॉप ज़रूर छोटी है लेकिन जायका बहुत बड़ा है माशाल्लाह। ये देखें कीमे से भरपूर है, इसमें मसाला जात बिल्कुल जो है वो असल है। वो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल है। ये देखें ये सब्ज़ मिर्च का, इसमें धनिया है, सब्ज़ धनिया भी है और इसमें जो सब्ज़ मिर्च है उसका जो जायका वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुंह में डालते ही घुल जाता है, इसको चबाना नहीं पड़ता, इसे आपको चबाने के जो है उसके बाद मुंह में नहीं धड़कता। मैंने काफ़ी जगहों से खाया है लेकिन ये जो चपली कबाब है मुझे बहुत पसंद है। अब इसको नान के साथ दोबारा खाते हैं। जैसे ये फ्रेश है इसी तरह दही भी बहुत फ्रेश है और नान जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है। दोनों का जो कम्बिनेशन है वो इतना मज़े का है कि आपने कभी ये पहले नहीं खाया होगा। आप ज़रूर आएँ, इसका टेस्ट करें। ये पेशावरी चप्पल कबाब के जो है नाम से यहाँ पर मशहूर है और इसके साथ ही जो है वो खजा पाई वाला मशहूर है और 3-4 दुकानें छोड़ के ही ये पेशावरी चपली कबाब की शॉप यहाँ पर है। यहाँ आरएफ होटल का आप देखें तो आरएफ होटल के बिल्कुल सामने आमने सामने ये होटल है पेशावरी चपली कबाब। तो आप जब भी आएंगे तो ये बहुत आसान सा एड्रेस है, बहुत शानदार जायका, बहुत मज़े का। तो व्यूअर्स मैंने चपली कबाब जो है वो खाए, मुकम्मल तौर पे हमने इसको ख़त्म कर दिया है। सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि जो इसका मिक्सचर था उसमें सब्ज़ धनिया और साबुत धनिया जब मीट के साथ मिक्स हो के आपके मुंह में आप उसे चबाते हैं तो उसकी अजीब सी एक खुशबू होती है। और दूसरी ऐसी बात कि इसका जो मीट है बहुत ज़्यादा फ्रेश है, ज़रा स्मेल नहीं थी, बहुत मज़े का था। मैं आपको कहूँगा कि आप एक मरतबा पेशावरी चपली कबाब जो है इस जगह के आके खाएं और आप बार बार आएंगे, अपनी फैमिली के भी साथ आएं और इसको टेस्ट करके देखें।
मुझे ज़ाती तौर पे जो है ये बहुत पसंद आया है। तो लाहौर में बहुत सी फूड स्ट्रीट है, बहुत सी गलियों में आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन हर गली में आपको एक अलहदा जायका मिलेगा और आपको एक जो है बेहतरीन डिश मिलेगी। यहाँ पे बहुत सी डिशेज हैं, डेली बेसिस पे आप 100 डिशेज भी टेस्ट करते हैं तो वो ख़त्म होने वाली नहीं है। लाहौर की हर गली हर मोहल्ले में आपको जो चीज़ खाने पीने की मिलेगी, क्योंकि लाहौरी खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो ज़ाती तौर पे मैं भी खाने पीने को पसंद करता हूँ और अच्छी जगह पे कोशिश करता हूँ कि आपको उसका खाना रिव्यू करके आप तक पहुँचाऊँ। तो पिशावरी चपली कबाब को मैं 10/10 देता हूँ, तो लिहाजा आप आएँ, इसे टेस्ट करें और फिर देखें कि मैंने आपसे सही कहा था या गलत कहा था। तो व्यूअर्स, एक और अच्छी बात बताऊं, इनका नाम अब्दुल्ला भाई है, हमारे साथ मौजूद है। हमने उन्हें पैसे देने की कोशिश किया लेकिन उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, और उन्होंने एक मेहमान नवाजी हमारे साथ जैसे होता है मेहमान नवाज, उस तरह का उन्होंने एक बेहतरीन जो है रवैया रखा है। अब उनसे पूछेंगे कि ये कितना अर्सा हो गया है और इतना जायका है आपकी चपली कबाब में, इसमें आप क्या डालते हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं उनकी मसरूफियत को देख के। आपको एक और चीज़ भी बताऊँ कि ये जो लाहौर में जितनी भी फूड स्ट्रीट हैं वो शाम को ही ज़्यादा वहाँ पे रौनक होती है, क्योंकि लोग ऑफिस से स्कूल से फ्री होके जो है इस जगह पे आते हैं, रात को यहाँ पे रौनक ज़्यादा देखने में मिलती है। तो अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं कि चपली कबाब में ऐसा क्या जादू है कि लोग आपकी तरफ दौड़े आते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, ये हम जो यानी कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल करते, अच्छा कीमा इस्तेमाल करते, तो अच्छी चीज़ बनाते इसलिए आते हैं ग्राहक। अच्छा, अगर हमारे व्यूअर्स आपको यहाँ पे आके खाना चाहें तो उन्हें आसान सा एड्रेस बता दें। ये आरएफ होटल जो अजय पाया के साथ हमारी दुकान है, नोगजा, ये मज़ार है नोगजा पीर, इसके साथ ये हमारी दुकान है। तो व्यूअर्स, जो है चपली कबाब के बाद इस वक्त जो है हम आ चुके हैं शाह, जो है टिक्का, जो है वो ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे पॉइंट है बारबेक्यू का। वहाँ पे आपको तवा पीस खिलाते हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उसका बनने का तरीका जो है वो भाई इस वक्त हमारे साथ है वो बना रहे हैं, जो इस वक्त तवा पीस है। लाहौर में काफ़ी लोग जो है इसको पसंद करते हैं, और इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे कहा है कि शाह टिक्का शॉप पर जाना है, वो टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि इनका जायका कैसा है। लेकिन दिखने में ऐसे लगता है कि ये वाकई बहुत लजीज होगा, इसमें मिसाला जात और बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो उसका जायके को बढ़ा देती हैं। तो ये जो इस वक्त फूड स्ट्रीट है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, यहाँ पे हर खाना आपको लजीज मिलेगा और हर दुकान पर आपको एक अलहदा ही जायका मिलेगा। तो अब टेस्ट करते हैं इनका जो है तवा टिक्का पीस, उस टेस्ट को फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो भाई से कहते हैं कि हमारे लिए एक स्पेशल जो है तवा टिक्का पीस बनाएं, और ताकि हम खा के अपने व्यूअर्स को उसका जायका बताएं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो सलमान भाई हैं, जो इस तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके उनके अंदर एक जायका स्पेशल डाल के और हमें वो खिलाने जा रहे हैं। एक टिक्का पीस है, तवा टिक्का पीस, उसका हमने ऑर्डर किया है, उसको खाते हैं और खा के जो है आपको बताते हैं। उससे पहले हम सलमान भाई कहते हैं कि ये इतना ज़बरदस्त आपने मिसाला डाला हुआ है भाई, इसकी स्पेशलिटी है आपके पास, तो इसमें ऐसा कैसे क्या जायका के लोगों का रश आप पे ख़त्म ही नहीं होता। ये हमारी रेसिपी होती है मसाले की। तो आज हमें आप एक स्पेशल तवा पीस जो है खिला रहे हैं, तो उसमें एक स्पेशल जायका भी डालेंगे फिर आप। ज़रूर इंशाल्लाह। चलें जी, ये पीस खा के आपको बताते हैं कि ये पीस वाकई खाने के काबिल है। जैसे लोगों ने मुझे कहा कि एक मर्तबा ज़रूर जाएं और इसका टेस्ट करें, ये एक रिकमेंडेड वीडियो है, ये खा के हम बताते हैं। लेकिन खुशबू बता रही है कि वाकई ये बहुत जायके वाला है। तो टेक्साली फूड स्ट्रीट में शाह जो है तवा टिक्का पीस हम खाने जा रहे हैं, तो चलते हैं अंदर खाते हैं फिर से। Thank you.
तो जनाब हम इस वक्त तवा पीस जो है उसका रिव्यू आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको खा के आपको बताता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा जो है ना ये बना हुआ है। ये रवायती जो पीस है वैसा नहीं है, थोड़ा सा इसके जो है वो हिस्से कर दिए जाते हैं। तो ये देखें, ये चटनी के साथ बहुत परफेक्ट जायका है। मैंने नान के साथ टेस्ट किया, इसको नान के बगैर अब टेस्ट करते हैं। थोड़ी चटनी लगाते हैं इसे दही की। बहुत मज़े का है। मैंने सुना था कि तवा पीस है बड़ा स्पाइसी होता है, उसको खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ लगा है मुझे। बड़ा जायकेदार है, बहुत मुनासिब है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ड नहीं है, ये देखें, ये सॉफ्ट है। ये देखें, काफ़ी मज़े का है। इसमें सब्ज़ मिर्च है और जो उनके दही में इसको कोई मसाला जात मिक्स करके वो तवे के ऊपर गिराया जाता है जब ये पक रहा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इसका जायका जो इसके अंदर दही का एक अलहदा आ रहा है, और सब्ज़ मिर्च का जो जायका है वो आपको पता है कि किसी भी खाने में उसका जायका दुबाला हो जाता है। मैंने एक दो जगह पे खाया है, वहाँ पे इतना वो स्पाइसी था कि वो नाकाबले बर्दाश्त था। इसमें कोई ऐसा जो है मिसाले तेज़ नहीं है जो आपको बोझ लगे, आपके जैसे जलन होने लग जाती है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ऑयल डालते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल होता है, बहुत शानदार है। ये जो जगह है ये टकसाली फूड स्ट्रीट है, शाही मस्जिद जो है उसके बिल्कुल दीवार के साथ साथ आप आते जाएं और आपको ये फूड स्ट्रीट जो है बासानी मिल सकती है। तो जिस जगह मैं बैठा हूँ ये है शाह टिक्का पीस, और ये बारबेक्यू का भी तमाम उनके पास होता है, बिरयानी भी होती है और भी बहुत कुछ। लेकिन आज मैं रिव्यू करने वाला था जो है टिक्का तवा पीस। लाहौर में आप जिस जगह भी आएंगे आपको खाने बड़े लजीज मिलेंगे, और हर दुकानदार का, हर शॉप का एक अलहदा ही जायका आपको मिलेगा। उसमें आप मीठा लें, बारबेक्यू हो, बिरयानी हो। अभी नली बिरयानी का मैंने रिव्यू करना है, तो वो एक फेमस जगह पे है, वहाँ पे मुझे दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे जाके उसको पहले मैं विज़िट करूँगा और फिर उसकी जो है वीडियो बना के आप दोस्तों तक पहुँचाऊँगा। नली बिरयानी का मेरा इरादा, लेकिन आज मौसम बड़ा अच्छा है तो एक और मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द। उसमें होगा एक कुल्फ़ी है बहुत शानदार, खोया कुल्फ़ी, तो उसका रिव्यू जो है वो आज या कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा और बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगा। तवा पीस बगैर नान के खाएं, उसका अलहदा जायका है। नान के साथ अगर खाएंगे तो उसका जो है मुख्तलिफ जायका हो जाता है। ये मुझे नहीं पता कि उसमें क्या मामला है, लेकिन है ऐसे ही हकीकत कि अलहदा दही के साथ खाएंगे उसका जायका आपको मुख्तलिफ लगेगा और नान के साथ मुख्तलिफ होगा। तवा पीस है, इसकी तो बात ही कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं ना फूड लवर हूँ लेकिन मीट लवर भी साथ हूँ, तो मुझे अक्सर जगह पे खाने का मौका मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पर भी दोस्तों ने मुझे बताया कि वहाँ पे जाऊँ, और वाकई वहाँ पे जायका भी होता है और मियार भी होता है। टिक्का तवा पीस, आप भी आए टकसाला फूड स्ट्रीट में, सब जगह पे आपको इस तरह के ज़रूर मिलेंगे, लेकिन शाह टिक्का पीस है जो तवा टिक्का पीस, हमने आज उनसे ये खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी आएँ, इसको एंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ और इसको खा के टेस्ट करें। तो ये जो आज की आप व्लॉग है, मैं टिक्का तवा पीस पे इसका इख्तिताम करता हूँ। तो और भी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। जाने से पहले एक गुजारिश करता जाऊँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। लाइक शेयर तो बनता ही है, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।